तो भी शाबाशी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वभाव तो सुचौ गाये रत्नत्रय पवित्र थे। ये आचार्य समंतभद्र स्वामी हैं। जब हम बड़ी बात को समझने में सक्षम नहीं हो पाते तो धीरे से प्रेम से सिर पर हाथ फेर के कहते कि ठहरो, हम बताते। देखो, स्वभाव से ये देह अपवित्र है, लेकिन रत्नत्रय धारण कर लिया जावे तो यह देह भी पवित्र और पूज्य हो जाती। बताइए, देह की पूजा तो हमारे यहां सिखाई नहीं गई, लेकिन मुनि महाराज के पैर छूना, उनकी आरती करना, उनके प्रति विनय व्यक्त करना, ये तो ऐसा ही लगता जैसे कि हम उनकी देह को सम्मान कर रहे हों। तो कहती नहीं, उस देह में बैठा हुआ देही रत्नत्रय का धारी है, इसलिए उस रत्नत्रय के कारण यह देह पवित्र हो गई, पूजनीय हो गई। वैसे तो स्वभाव से देह तो अपवित्र है, असुचि है। देह परस्ते हो तपावन, इसके तो स्पर्श से चीजें अपावन हो जाती हैं, इतनी अपावन है।